Recording in progress. Question number 19. In the previous class, we had done till question number 18 of exercise 8B, triangles. So let's copy the diagram. We have a triangle PQR and a point S inside the triangle. So it forms another triangle PSR. PQ is given equal to QR. And they have said that triangle PSR is a equilateral triangle. This is given to us. Triangle PSR is an equilateral triangle. Angle Q is given as 26 degrees. And we have to find angle Y, which is this angle. This small angle here is Y. Copy the diagram. Now, see, important thing here. First of all, triangle PSR is an equilateral triangle. Equilateral means all sides are equal. What about the angles? All angles are 60 degrees. So all angles are 60 degrees. So, iska matlab main yahan pe likh sakta hu ki this angle is 60 degrees as well as this angle is 60 degrees. Okay. Theek hai. Now, in the bigger triangle PQR, ye jo bada wala triangle hai PQR, ye pura triangle, isme PQ aur QR same hai. अगर PQ और QR सेम है तो कौन से दो एंगल सेम हुए? एंगल P और एंगल R सेम हुआ. ओके, तो इसको अगर मैं लिख दूं दैट एंगल P एंड एंगल R इज सेम, आई विल से फर्स्ट राइट दैट PQ इक्वल्स QR, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स एंगल R. रीजन इज आइसोसेलिस ट्रायंगल. अब एंगल P क्या है? What is the value of angle P? 60 and y. 60 plus y. 60 plus y है. एंगल P क्या है? 60 plus y है. Correct. तो एंगल R भी 60 plus y होगा. ये एंगल P क्या है? 60 plus y. तो ये वाला एंगल ये 60 है, तो ये पार्ट y होगा. Because दोनों इक्वल है ना? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है. है कि नहीं? Yes, अग्री. तो अब यहां पे मैं लिख दूंगा कि एंगल पी की जगह मिलेगा 60 प्लस वाई. ओके, तो इसको अभी हम मार्क भी कर देते हैं. तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं दैट दिस इज आल्सो वाई. ठीक है. नाउ इन द फुल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तीनों एंगल्स को मिलाओगे तो व्हाट इज द टोटल? 182. Angle Q plus angle P plus angle R will be 180 degrees. Okay. What is angle Q? 26 degrees. दिया हुआ है. Angle P की जगह पे 60 plus Y and angle R की जगह पे 60 plus Y. So total is 180. Now add these values. 146 plus 2Y equals 180. So 2Y is 180 minus 146. 2y equals 34. So y equals 17 degrees. This is your answer. Copy it properly step by step.
copied. Come to the next question then. Next question is in fact very easy. I think you should try it on your own. Next question. You don't have to share it with her. Sharing the question number 20. Solve it on your own. I will just give some answers, but you can do it. It's a very simple question. सिर्फ टोटल 180 टोटल 180 करना है. चेक आंसर मिलने के बाद चेक योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट यू विल सॉल्व दिस ट्राइंगल और थर्ड एंगल मिलेगा यहाँ पे. पहले जो मैंने रेड से मार्क किया है वो एंगल ढूंढो. फास्ट फास्ट सॉल्व एंड देन फाइंड एक्स. मैं स्टेप्स लिखता हूँ यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप फाइंड दिस एंगल जो मैंने मार्क किया है 1, देन फाइंड 2, देन फाइंड दिस एंगल 3, देन फाइंड दिस एंगल 4, देन दिस 5 एंड लास्ट आपको वाई मिलेगा 6. 6 स्टेप में आपका सम होगा. ये फर्स्ट आंसर क्या है आपको? ये 1, ये 1 का आंसर क्या आया? 74. और फिर पॉइंट नंबर 2 मतलब x की वैल्यू क्या आई? 106. x की वैल्यू आई 106. ओके, फिर वापस आपने लीनियर पेयर किया होगा तो आपको 3 पॉइंट नंबर 3 मिला होगा. जो क्या मिला आपको? 74. ये वाला वैल्यू क्या मिला? ये What about this value? 74 ही मिलेगा. आप देखो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हो. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है. डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर सकते हो या फिर दो बार लीनियर पेयर भी कर सकते हो. एक्स के साथ लीनियर पेयर भी कर सकते हो इसका, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है ना.
ठीक है, फिर आपको ये यू गॉट दिस एंगल दिस पॉइंट नंबर थ्री यू विल गेट इट एज 74. फिर 74 68 से 4 मिलेगा, 4 की वैल्यू अगेन टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेना, एंगल सी ई डी नाम दे दो इसको, सी ई डी ऐसे करना, 74 प्लस 68 प्लस एंगल सी ई डी विल गिव यू 180. सो आपको सी ई डी मिलेगा. देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आपको एंगल एफ ई जी मिलेगा, मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट 5 है. F E G A point number 5, ये value क्या मिली आपको? This is 38. So this angle here, this angle I think you will get it as 38. So this will also be 38. फिर आप point number 6 के लिए 38 plus 56 plus y equals 180 करोगे. So you will get y as 86 probably. Very good. Let's start the next sum then.
Question number 21. Now in this question, what we have to find? We have to find angle FAC and angle ACB. ये दो चीजें फाइंड करनी है. एफ ए सी मतलब मैं इसको जो फाइंड करना है उसे ब्लू से मार्क करता हूँ. एक ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, इजी है, काफी इजी सम है, बट फर्स्ट स्टेप खाली समझना थोड़ा सा मुश्किल है. सी दे हैव गिवन दैट टू लाइंस आर पैरेलल हियर. व्हिच टू लाइंस आर गिवन पैरेलल? एंगल ईबी. लाइंस गिवन पैरेलल. BE is given as parallel to CD. BE is given parallel to CD. मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. So these two lines are parallel. अब अगर ये दो lines parallel है तो कौन से corresponding angles कौन से होंगे मुझे बताओ. Angle D. ये वाला angle और ये वाला angle corresponding angle होगा. Yes sir. Correct. Yes. Very good. अब यहाँ पे corresponding angles में ये जो corresponding है इसकी value 85 है. Correct. तो इस पूरे angle की value भी 85 होगी. ठीक है, जिसमें से ये कुछ एंगल 10 है, ये थोड़ा सा 10 है ना, और बाकी बचा हुआ आपको नहीं पता. ओके, तो इसका मतलब सी केयरफुली, ये पूरा 85 है. ठीक है, 85 में ये 10 भी इंक्लूडेड है. ओके, तो बाकी का ये 75 होगा. ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे बताता हूं मैं. अंडरस्टैंड, फर्स्ट आई विल राइट बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर angle EBC is equal to angle DCG. Reason is corresponding angles. Reason is corresponding angles. अब समझो, let's assume that this ये जो angle है इतना वाला, ये छोटा सा जो angle है यहाँ पे, ये जो रिमेनिंग एंगल, लेट्स से ये एक्स है. ओके, हमने इसको नाम दे दिया एक्स. तो ये टोटल एंगल ईबीसी जो एंगल है ये पूरा, ये 10 प्लस एक्स होगा. ये जो पूरा एंगल होगा ये 10 प्लस एक्स होगा. करेक्ट, तो ईबीसी की जगह पे आई कैन राइट 10 प्लस एक्स. और ये डीसीजी कितना है ये पूरा? 85. ये 85 है ये वाला एंगल. तो दिस इज 85. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, और इसका नाम भी लिख दो, ये जो x x के बदले इसका एंगल का नाम क्या है? ए बी सी इक्वल्स 75 डिग्रीज. ठीक है, नाउ अब हमें ये एंगल मिल चुका है, तो अभी हम इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं और इस पे ध्यान देते हैं. इस ट्रायंगल पे वी गॉट दिस एंगल एस 75 डिग्रीज. ओके, नाउ कीप योर फोकस ऑन दिस ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है ना छोटा वाला यहाँ पे ए बी सी, इसके अंदर अब क्या दिख रहा है? इसके अंदर क्या कर सकते हैं? आइसोसेलिस है ये. तो दीज टू साइड्स आर इक्वल. एफबीसी इक्वल टू सीएबी. एफबीसी इक्वल्स टू सीएबी. यस, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. करेक्ट, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो एक तो 75 पता है उसमें से, तो ये दूसरा भी 75 हुआ. ये भी 75 हुआ ना, ये दोनों एंगल सेम है ना आइसोसेलिस की वजह से. करेक्ट, इसको इतने को लिख देते हैं पहले. इन ट्रायंगल एबीसी जस्ट अ सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी AC equals BC, therefore angle ABC equals angle BAC, which is equal to 75. एक ही स्टेप में लिख देते हैं. And reason will be isosceles triangle.
ए बी सी इक्वल्स बी ए सी, तो ये दोनों 75 मिल गया। अब जो दोनों चीज मुझे फाइंड करनी है विच आई हैव मार्क्ड विद ब्लू, वो दोनों इजीली मिल जाएगा। ये लीनियर पेयर से मिल जाएगा और ये टोटल 180 करेंगे उससे मिल जाएगा। चलो ढूंढो, सी लीनियर पेयर से नहीं हो सकता। आप लीनियर, अगर आप 85 से लीनियर पेयर लोगे तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए इतना, समझ रहे हो ना। ये 75 प्लस ये वाला एंगल, दिस टोटल इज 75 क्वेश्चन में एसी भी दिया है ना, तो आप भी एसी भी दो तो बेटर होगा समझने के लिए। Then angle BAC plus angle FAC equals 180. This will be linear pair. Mila? Yes. This is your answer. Two answers. One is this much and one is 105. It's a very easy sum, very simple. See, just understand one concept. You have to find x
एक्स ढूंढना है मतलब आपको एक एंगल 40 दिया हुआ है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड दिस एंगल, ये मिल गया तो 40 और इस एंगल से आप एक्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। दे हैव सेड दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल है मींस ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्रीज, ठीक है, दीज एंगल्स आर 60 डिग्रीज, तो इनके लीनियर पेयर से आपको ये एंगल मिल जाएंगे, ओके और फिर अगर आपको ये मिल जाएगा तो इन दोनों के हेल्प से आप एक्स और वाई भी ढूंढ सकते हो, करेक्ट ना। ये जो ट्रायंगल है इसमें एक 40 है, लीनियर 60 के लीनियर पेयर से ये आपको 120 मिल जाएगा, तो 120 एंड 40 से आपको एक्स मिल जाएगा, फाइंड आउट। See, ABC is a equilateral triangle, therefore angle all angles are 60 degrees. All angles are 60 degrees. Now, angle ABC plus angle ABP is equal to 180 degrees linear pair. So, ABC की वैल्यू 60 है, इससे आपको ABP मिल जाएगा। स्टेप्स के लिए मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, आपको स्टेप्स सब अच्छे से लिखने हैं, ऐसे समझ में आया ना मैंने ये लीनियर पेयर से क्या किया। अब मुझे अब देखो ये 60 मिला आपको, हाँ तो 60 के लीनियर पेयर से हमने ये एंगल ढूंढा, ये मिला 120। अब ये 120 है, ये 40 है, तो x मिल जाएगा इजीली, ठीक है। सिमिलरली ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा और इससे y मिल जाएगा, ढूंढो। तो दोनों पहले 120 ढूंढा, नाउ इन ट्रायंगल एबीपी 40 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स 180, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड इन ट्रायंगल एसीक्यू 30 प्लस 120 प्लस वाई इक्वल्स 180, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वाई। और आपको एक और चीज फाइंड करनी है अपार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई, यू हैव टू फाइंड एंगल पी ए क्यू ऑल्सो। पी ए क्यू मतलब पी ए क्यू मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, एक्स प्लस 60 प्लस वाई, 60 मत लिखो एक्चुअली, उसका नाम लिखो एंगल का, एंगल बी ए सी प्लस वाई। सो एक्स आपको जो भी मिला है BAC 60 है और Y आपको जो भी मिला, X क्या मिला है आपको, X is equal to 20 degrees, 20 and Y is 30 degrees, so 20 plus 60 plus 30,
23 सी इन क्वेश्चन नंबर 23 दे हैव सेड एडी एडी बाइसेक्स एंगल बीएसी एडी ये जो लाइन है यहाँ पे दिस लाइन बाइसेक्स एंगल बीएसी इसलिए देखो उन्होंने यहाँ पे दो लाइंस बनाई है ये इसका मतलब है कि दोनों एंगल सेम है ओके लेट्स से इनको हम एक्स एक्स नाम देते हैं बोथ एंगल्स आर सेम और यहाँ पे डीई बाइसेक्स एंगल एडीबी देखो यहाँ पे भी उन्होंने ये मार्क किया है सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो सेम सो लेट्स नेम दीज एंगल्स एज वाई वाई नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल आई विल मार्क इट विद रेड ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है बीईडी एक्स भी ढूंढना है नहीं सिर्फ बीईडी ढूंढना है देखो अभी कैसे ढूंढेंगे देखो फर्स्ट आई विल अप्लाई ये जो पूरा ट्रायंगल है इन दिस टोटल विल बी हाउ मच 180 डिग्री इससे क्या मिलेगा मुझे X और X. यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 व्हाट इज एंगल ए दृष्टि व्हाट इज एंगल ए 2x एंगल बी क्या है 40 और एंगल सी क्या है 80 सो 2x इक्वल्स 180 माइनस 120 सो x इक्वल्स 60 अपॉन 2 सो 30 मिला ये एक्स आपको 30 मिल गया तो यहां पे हम लिख देते हैं कि दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30 नाउ How will I find y? Can anyone tell me how will I find y? Isosceles तो नहीं है, दो sides equal नहीं दी है आपको. Sir, first we will find the angle ADC. Then we will take linear pair. इससे अच्छा आप directly ये triangle में apply करो ना. आपको डायरेक्टली वाई मिल जाएगा टोटल 180 करके आप जो बोल रहे हो वो भी सही है कि ये 30 है ये 80 है तो आपको ये मिलेगा फिर इसके लीनियर पेयर से ये मिल जाएगा पर डायरेक्टली यहाँ पे भी तो आपको 30 पता है और 40 पता है दो एंगल्स यू कैन डायरेक्टली फाइंड वाई सर 30 + 40 = 2y हाँ इन एंगल इन ट्राइंगल ए बी डी ऐसे लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी 30 + 40 + 2y = 180 So 2y equals 180 minus 70. So 2y equals 110. So y is, I'm getting 55 degrees. Check. Yes. अब आपको अगर ये y मिल गया है यहाँ पे, ये 55 मिल गया है. और ये भी 55 मिल गया है अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा ये छोटा सा ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एंड हियर आई विल टेक सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इन ट्रायंगल बीईडी 40 + 50 + angle BED = 180 degrees
यहाँ पे देर इज अ स्मॉल मिस्टेक, इट शुड बी 55 here. ये y की वैल्यू 55 है. हाँ, सो दिस इज माइनस 95, सो आंसर विल बी 85. नहीं देखो इसका डिफरेंस समझो, कब आप सिंगल अल्फाबेट लिख सकते हो और कब आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है, इसका डिफरेंस समझो. समझो आई होप ये सब कॉपी हो गया ना, मैं आपको करके बताता हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. देखो समझो एक ट्रायंगल है यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ. दिस इज ट्रायंगल ए बी सी और लेट्स से ये डी है. ठीक है, अब ये जो एंगल है सी, क्या ये एंगल डिवाइड हुआ है दो पार्ट तीन पार्ट या किसी पार्ट में? नहीं, ये पूरा एक ही एंगल है. तो इसमें आप एक अल्फाबेट यूज कर सकते हो एंगल सी, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, लेकिन ये एंगल ए जो है ये डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में. अगर ये डिवाइड हुआ है तो इसमें आप एंगल ए नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल ए का मतलब कौन सा, ये क्या ये पूरा. हाँ, उसका मतलब होता है पूरा एंगल, तो आप ये नहीं कर सकते. तो एंगल ए के वक्त आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा क्या आप ये लेफ्ट वाले एंगल की बात कर रहे हो या राइट वाले एंगल की बात कर रहे हो, या तो बी ए डी नाम या तो सी ए डी या डी ए सी नाम देना होगा. समझ रहे हो, जब एंगल डिवाइड हुआ होता है तो उसको सिंगल अल्फाबेट में नाम नहीं दे सकते, बट जैसे बी को दे सकते हैं एंगल बी सिंगल में, बट डी को नहीं दे सकते. समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24
here they have given that this side PS is equal to this side SR is equal to this side QR. ये तीन साइड्स इक्वल दिए हैं आपको. ठीक है. सो फर्स्ट यू टेक दिस ट्रायंगल PSR. इन दिस ट्रायंगल दिस टू साइड्स आर इक्वल. अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. करेक्ट. सो आपको ये वाला एंगल भी x मिल जाएगा. करेक्ट. इसको लिखते हैं पहले. राइट इट डाउन. इन ट्राइंगल PSR, PS equals SR. Therefore, angle SPR equals angle SRP. Reason isosceles triangle. ये भी x मिल गया. अच्छा मैं अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ जो आप कभी कभी यूज कर सकते हो. मतलब विदाउट उस प्रॉपर्टी के भी सम सॉल्व हो सकता है, बट अगर ये आपको पता होगा तो आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे. एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने एक फिगर बनाया ऐसा. लेट्स से दिस एंगल इज 60 degrees, दिस इज 70 degrees. तो मुझे ओरली बताओ ये वाला एंगल क्या होगा. 60 है ये 70. अब इनका टोटल क्या हुआ. 130 हुआ. ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का टोटल क्या होता है. तो 180 माइनस 130 ये हो जाएगा 50. ओके. अब अगर ये 50 है तो लीनियर पेयर से ये कितना मिलेगा. ये 130 मिला. ठीक है. अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ. क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे. 70 प्लस 60 इक्वल्स ये आपको 130 दिख रहा है यहाँ पे. इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. मतलब एक ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल था यहाँ पे. ठीक है. और ये उस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल था. तो एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स. ट्राइंगल के अंदर के, इसके पास वाला नहीं, बाकी दोनों के जो एंगल है ना उनका एडिशन ही एंगल होता है. मतलब एक बार और बना के बताता हूँ आपको. लेट्स से ऐसा दिया है. ठीक है. समझो ये एंगल है 30 और ये एंगल है 40. तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है. ये क्या होगा. 70 degrees. समझ रहे. ये काफी काम आता है. ओके. आप वैसे नॉर्मली इसके बिना भी कर ही सकते हो. आप जैसे हमने किया था, पहले हमने ये ढूंढा 110 मिलेगा, फिर लीनियर पेयर से ये 70 मिलेगा. बात एक ही है, बट इससे आपका एक स्टेप कम हो जाता है. ठीक है. अगर आपको ये याद रहे तो. ओके. तो हम ये पर्पजली यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट आपको याद रहेगा रिविजन के वक्त भी. ओके. तो अब यहां पे मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसको अगर मैं यहां से एक्सटेंड करूं इस लाइन को तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. करेक्ट. ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा. तो दो एंगल्स जो अंदर है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये क्या है. एक्स एक्स है. करेक्ट. तो ये वाला एंगल क्या बनेगा. 2x. आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ वापस. ये कुछ ऐसा डायग्राम है where this is x, this is x. तो ये एंगल क्या होगा. एक्सटीरियर एंगल ये 2x बनेगा. ठीक है. तो ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे. अभी ये लिखो और इसको अंडरलाइन भी करो सो दैट आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम. सॉरी QSR. हाँ QSR. QSR इज 2x. अब QSR ट्राइंगल में क्या है. इन ट्राइंगल QSR दीज टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस. सो विच एंगल्स विल बी सेम. RSQ एंड
ये और ये एंगल सेम होगा, ये दोनों साइड सेम है ना, ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, करेक्ट। सो एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, तो ये एस क्यू आर क्या मिल जाएगा, 2x, ये भी 2x मिल जाएगा। यहां तक पहुंचे, ठीक है। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रीड करो, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लिखा आगे, क्या लिखा है, पी क्यू इक्वल्स पी आर लिखा है, ये हमने यूज ही नहीं किया अभी तक। पी क्यू इक्वल्स पी आर, इसका मतलब ये पी क्यू और ये पी आर सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एंगल क्यू पूरा और एंगल आर पूरा सेम होगा, करेक्ट, एंगल क्यू और एंगल आर सेम होगा। So I will write here that angle Q equals angle R, reason isosceles triangle. Okay, angle Q की क्या वैल्यू है, 2x, और angle R x. ये पूरा x. इतना x है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, एक और x ही होगा, बरोबर ना, ये आधा एंगल अगर x है और पूरा एंगल R पूरा क्या है, 2x है, तो ये भी x ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू इज 2x, देयरफॉर एंगल आर इज आल्सो 2x, देयरफॉर एंगल एस आर क्यू इज नथिंग बट, एक्चुअली एस आर क्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखो भी मत आप एस आर क्यू, खाली ऐसे ही रखो एंगल आर इज 2x। यस, अभी अभी फुल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल पी क्यू आर तीनों एंगल्स को एड करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स 180, तीनों एंगल्स ऐड करके 180 होता है। एंगल पी, पी क्या है, एक्स, क्यू क्या है, 2x है, और आर क्या है, 2x इक्वल्स 180। ध्यान से पढ़ो भाई, नहीं 5x इक्वल्स 180, x इज 180 अपॉन 5, that is 36 degrees. समझ रहा है, थोड़ा ये लॉजिकल समझाइए, इसमें मतलब एक भी वैल्यूज नहीं दी थी, आप इमेजिन करो आपके पास एक भी वैल्यू नहीं थी फिर भी आपने एंगल फाइंड किया, आपके पास सिर्फ x था और कुछ भी नहीं दिया था, एक भी वैल्यू नहीं थी, स्टिल यू वर एबल टू फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सब एंगल मिल सकता है, x मिल गया तो q भी मिल जाएगा, r भी मिल जाएगा अगर जरूरत होती तो, ठीक है, कॉपी इट प्रॉपरली। Question number 25, they have not given you the figure. We will have to draw the figure ourselves. See here, in triangle ABC, let us draw a triangle ABC. Let us draw a triangle ABC. They have said AB equals AC. AB equals AC. Draw the diagram because the diagram is not given.
एंगल ए और बी का रेशियो दिया है 4:3, सो क्या लेंगे हम एंगल्स को? 4x और 3x, लेट एंगल ए बी 4x एंड एंगल बी 3x. तो ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ 4x और बी की जगह पे 3x. इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है. कॉपी दिस मच. अब बहुत ही सिंपल से हमें ये दीज टू साइड्स आर सेम आइसोसेलिस, तो कौन से एंगल सेम होंगे? बी एंड सी सेम होगा, तो मतलब सी की जगह पे भी 3x लिख दूं, सेम है. यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बी इक्वल्स ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स एंगल सी आइसोसेलिस ट्राइंगल, तो देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 3x. फिर क्या करेंगे, तीनों को ऐड. ढूंढना क्या है, एंगल सी ढूंढना है, सिर्फ 18 ढूंढ के खुश नहीं होना है. 54. That's it for the exercise. See, there were many sums in the exercise, but सारे sums same थे. सब में एक ही concept use करना था. Linear pair use हो रहा है, कहीं alternate angles और total 180, total 180. और isosceles हर बार use होता है. Okay, बस वही same चीज repeat होती है. ऐसे बहुत सारे type के sums बन सकते हैं. Okay, सिर्फ solve करते वक्त आपको ध्यान देना है कौन से sides equal हैं, कहाँ पे total दो angles अगर पता है तो तीसरा angle easily मिल जाता है. Okay, बस इस concepts को use करना है तो आप कोई भी type का sum solve कर पाओगे. ठीक है, we have completed with exercise 8B. Okay. We'll stop here today.